ओम शांति। 17 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी व्रत रथ उधार लेता हूँ। बच्चे तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी व्रत रथ उधार लेता हूँ। आज की मुरली का प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? बाबा ने उत्तर दिया, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बाबा कहते, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। आज की मुरली का गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1 पॉइंट, राज ऋषि बन तपस्या करनी है, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है, पक्का योगी बनना है। सेकंड पॉइंट, नॉलेज बड़े मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। नॉलेज बड़े मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। आज की मुरली का वरदान है, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। विश्लेषण है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट नोट करो,
यह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान के पॉइंट मनन करो या रू रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। ओम शांति।